नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रामबाण घरेलू उपाय बताऊंगा। यह उपाय आपके पीले गंदे दांतों को मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बनाएगा। दोस्तों, ये उपाय काफ़ी असरदार उपाय है। इसे पुराने टाइम से सदियों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इस उपाय की मदद से आप अपने पीले गंदे दांतों को मिनटों में मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक खाली कटोरी, और इस खाली कटोरी में आपको अदरक लेना है। दोस्तों, कच्चे अदरक को आपको छीलना नहीं है, इसे जो है कद्दूकस करना है। इस तरीके से आपको इसे जो है कद्दूकस कर लेना है। कम से कम दोस्तों आपको यहाँ पर आधा चम्मच के बराबर कद्दूकस किया हुआ अदरक चाहिए। दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर अभी थोड़ा कम है अदरक में। दोस्तों, ऐसे बेहतरीन गुण पाए जाते हैं जो हमारे दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे हमारे दांतों को पोषण मिलता है, जो हमारे दांतों के पीलेपन को जड़ से खत्म कर देता है। इससे हमारे दांत मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार होते हैं। तो हम इसे चेक करेंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं आधा चम्मच के बराबर पेस्ट हो गया है। अब आपको इसमें ऐड करना है फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी भी हमारे पीले दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे गंदे दांतों के पीलेपन को निकाल देता है, और इससे हमारे दांत सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर फिटकरी का पाउडर कम से कम इतनी सी मात्रा में लेना। दोस्तों, सिर्फ आपको इतनी सी मात्रा में फिटकरी का पाउडर ऐड करना है, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पर इसे पीस के रखा हुआ है। तो आपको इतनी सी मात्रा में फिटकरी का पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। फिर अगली चीज़ जो आपको चाहिए दोस्तों, वो है यहाँ पर नींबू का रस। नींबू का रस हमारे दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो हमारे दांतों को मोती की तरह सफ़ेद चमकदार बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आधा चम्मच के बराबर नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच नींबू का रस लेने के बाद में अब आपको लास्ट चीज जो चाहिए वो दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद वाला कोलगेट का पेस्ट, जिसे हम अपने दांतों में अक्सर करके ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इतना सा इसमें कोलगेट का पेस्ट ऐड कर लेना है। इतनी सी मात्रा में आपको लेकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि ये पेस्ट आपका अच्छे से बन के रेडी हो जाए। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पेस्ट को उंगलियों की मदद से अपने दांतों पर रगड़ना है, जिससे कि दोस्तों ये आपके दांतों के पीलेपन को बड़ी आसानी से साफ कर सके। दोस्तों, ब्रश से हमारे दांत इतने अच्छे से साफ नहीं होते हैं जितने हमारी उंगलियों से साफ होते हैं। पुराने टाइम पर भी लोग उंगलियों से ही दांतों को साफ करते थे। तो दोस्तों, आपको इस पेस्ट को इतना सा लेना है और अपने दांतों पर रगड़ना है। फिर उसके बाद में आप इतना सा और लें और अपने दांतों पर रगड़ें। ऐसे करके आप इस पूरे पेस्ट को अपने दांतों पर रगड़ लें। फिर उसके बाद में आप सादा पानी से अपने दांतों को धोकर साफ कर लें। दोस्तों, ऐसा करने से आप देखोगे आपके दांत मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार दिखने लगेंगे। दोस्तों, ये उपाय काफ़ी बेहतरीन और असरदार उपाय है। इस उपाय से आप मिनटों में अपने गंदे दांतों को मोती की तरह चमकदार बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने भी लोगों के पीले गंदे दांत हैं वो भी अपने दांतों को सफ़ेद मोती की तरह घर बैठे फ्री में चमका सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपके लिए फिर लाता हूँ अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।